हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडियाक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट वर्गोज़, याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। मेरे बारे में या इस रीडिंग के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी वर्गोज। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव, आपका करियर एंड आपका फाइनेंसेस भी। लेट अस सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है जनवरी 1st टू जनवरी 15th या जनवरी 1st हाफ के लिए। गिव मी थ्री कार्ड्स स्पिरिट, वन मोर वर्गोज। ओके ओके वर्गोज। सो जनवरी 1st हाफ, आई सी बहुत सारा हीलिंग, बहुत सारा कार्मिक हीलिंग आपके लिए। बट घबराने वाली बात नहीं है। कुछ लोग कर्मा या कार्मिक सुन के डर जाते हैं या बहुत जल्दी जज करने लगते हो। बट लेट मी टेल यू, आई सी दैट कुछ लोग कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा फॉलो, लाइक कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा है जो काइंड ऑफ आप कैरी कर रहे हो, जिसका मतलब है मे बी पास्ट लाइफ या फिर कोई पुराना कार्मिक साइकिल, पास्ट लाइफ का कार्मिक साइकिल या आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका कुछ कार्मिक साइकिल या कार्मा का कोई पोर्शन है जो आप इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहे हो। एंड आई फील हियर दैट नेक्स्ट ईयर या फिर जनवरी से स्टार्ट हो सकता है, जनवरी से आप काइंड ऑफ फील करोगे दैट बहुत कुछ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो हील हो रहा है, बिकॉज आप अपना कार्मा हील कर रहे हो। आपको कार्मिक हीलिंग लाइक ये आपको कुछ करना नहीं है, बट आई थिंक ये एक साइकिल है जो आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। एंड आई कैन सी हियर दैट आप देखोगे कि बहुत सारे बिगड़े हुए काम आपका फिर से बन रहा है, बहुत सारा बिगड़ा हुआ कनेक्शंस आपके लाइफ में, चाहे वो लव का हो, फ्रेंडशिप का हो या जो भी हो, फिर से वो जुड़ रहे हैं। या कोई भी गलतफहमी अगर है आपके लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, इंसान को लेके, वो दूर हो रहा है। सो आई कैन सी हियर दैट वर्गोस, आप काइंड ऑफ कार्मा को क्लीन कर रहे हो। आप काइंड ऑफ जो भी आपके रिग्रेट्स है, जो भी आपके इश्यूज है, जो भी आपका नेगेटिविटीज़ है, आप काइंड ऑफ उसको क्लेंज कर रहे हो। इनर क्लेंजिंग आप कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो एंड मे बी आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कुछ हीलिंग वाला काम कर रहे हो या आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहे हो। बट अदरवाइज बाकी के जो लोग हो, आई फील हियर दैट आपके लिए विजडम आ रहा है, आपके लिए एक बहुत ही लाइक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आप फील करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। एंड यू विल सी दैट आप काइंड ऑफ बहुत आसानी से बहुत सारे लोगों को माफ़ कर पा रहे हो, बहुत सारे लोगों को समझ पा रहे हो। आई ऑल्सो फील हियर दैट वर्गोज, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर दैट जनवरी से आप काइंड ऑफ फील करोगे दूसरों का पेन, दूसरों का हैप्पीनेस, दूसरों का टेंशन। एंड आई थिंक दैट आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे होगा। लाइक आपके आसपास के लोग आपके एनर्जी को फील कर पाएंगे। सो मे बी अगर कोई बहुत ज़्यादा सैड है, वरिड है, एंशियस है, एंड अगर आप जाके उस पर्सन को बहुत पॉजिटिविटी के बारे में बोलो या पॉजिटिव एनर्जी आप उस पर्सन को दो, आप वो चेंज इंस्टेंटली फील कर पाओगे दैट वो पर्सन पॉजिटिव हो चुका है। अगर आप उस पर्सन को जाके बेसिकली अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है एंड आप जाके उस पर्सन को शांत कर रहे हो, आप रियलाइज़ करोगे आप बड़े ही आसानी से उस पर्सन को शांत कर पा रहे हो, उस पर्सन को समझा पा रहे हो जो आप समझाना चाहते हो। बिकॉज़ आई फील दैट आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे रहोगे एंड दूसरे लोग भी उस चीज़ को फील कर पाएंगे, उस एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी या उस वाइब्रेशन को, उस हीलिंग को। फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी आप डॉक्टर्स हो या आप कुछ हीलिंग वर्क करते हो, जैसे टैरो रीडिंग या क्रिस्टल के साथ काम करना, या आप हीलर हो। सो
एनर्जी वर्क करते हो, जो भी आप करते हो, बट आई सी हियर दैट आप खुद को हील कर रहे हो, आप अपने कार्मिक साइकिल्स को हील कर रहे हो, एंड ऑल्सो आपके आसपास के जो दूसरे लोग हैं उनका भी एनर्जी आप हील कर पा रहे हो, वो आपसे स्ट्रेंथ, वो आपसे पॉजिटिविटी ले पा रहे हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये लोग सब आपको जानते हो, ये कोई रैंडम स्ट्रेंजर हो सकता है, बट जो आपके साथ में भी कहीं पे बैठे, फॉर एग्जांपल किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या किसी स्टोर पे, किसी मॉल में आप किसी स्ट्रेंजर से मिलो या कोई स्ट्रेंजर आपके आसपास हो, वो पर्सन भी काइंड ऑफ उनका मूड भी लिफ्ट अप हो सकता है, उनका मूड भी पॉजिटिव हो सकता है। एंड आई सी हियर दैट वर्गोज, दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल, दिस इज़ काइंड ऑफ अ चेंज जो आप देख पाओगे, जो आप फील कर पाओगे, यू नो। एंड ये जो चेंज है ये आपको दिखेगा लाइक इमोशनली, आप फील कर पाओगे दैट आप लाइक आज तक आप जिन सारी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस लेते थे, टेंशन लेते थे, या कोई भी रिग्रेट आप पाल रहे थे, कोई भी गुस्सा, एंगर, रिजेंटमेंट, आप फील करोगे आप बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर पा रहे हो, आप बड़े ही आसानी से फॉरगिव कर पा रहे हो, अपने आप को हील कर पा रहे हो, अपने एनर्जी को हाई वाइब्रेशनल बना पा रहे हो, जो एक्चुअली में करना बहुत ही मुश्किल है, बट आप उस चीज़ को बड़े ही आसानी से करोगे, बिकॉज़ आई फील अ लॉट ऑफ कार्मा इज़ बीइंग टेकन अवे, अ लॉट ऑफ कार्मिक साइकिल्स आप कंप्लीट कर रहे हो एक साथ, सो दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगेनिंग, बट ये कार्मिक हीलिंग ज़रूरी है इस न्यू बिगेनिंग से पहले जो आप जनवरी में कर रहे हो। एंड इससे क्या होगा, इससे यू विल फील आपका लाइफ पहले से स्मूथ हो जाएगा, आप काइंड ऑफ रोज़ का ये जो ड्रामा है या लाइफ में जो ये खिच-खिच है, ड्रामा, ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को थोड़ा सा अलग कर पाओगे, मेंटल पीस आप फील कर पाओगे ज़्यादा, पॉजिटिविटी फील कर पाओगे ज़्यादा, प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है आपको आसानी से दिखेगा, ना ही आप कॉन्फ्लिक्टेड एंड कंफ्यूज्ड हो जाओगे, आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आई आई कैन सी दैट आप एक कामनेस फील कर पाओगे, लाइक एवरीथिंग इज़ काम, जैसे मेडिटेशन के बाद फील होता है, दैट इज़ द एनर्जी। एंड ये एनर्जी आप दूसरों को भी दे रहे हो, जिससे उनका भी भला हो रहा है, उनका भी हीलिंग हो रहा है, या उनमें भी पॉजिटिविटी फैल रहा है, विच इज़ वेरी नाइस वर्गोस। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू योर लव सिचुएशन। ओके, एंड देखते हैं आपके लव सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। लव फॉर माई वर्गोज। ओके, सो आपका फर्स्ट एनर्जी है द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। वाओ, आई फील दैट आप एस ऑफ सोर्ड्स, यस। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक दैट आपका कुछ इमोशनल ब्लॉकेज था जो आप कैरी कर रहे थे, जो आप फाइनली रिलीज कर रहे हो जनवरी में। इमोशनल ब्लॉकेज मतलब मे बी आप लव में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, या मे बी आप काइंड ऑफ लव जो चीज़ है, लव जो इमोशन है, उस चीज़ को आप इग्नोर करते थे, अपनी लव लाइफ को इग्नोर करते थे, या आप समझते थे दैट हर कोई आपको, यू नो, हर किसी से आपको बिट्रेल मिलेगा, हर किसी से आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा, या वैसे काइंड ऑफ बहुत ही होपलेस आप हो गए थे, या आप ज़्यादा सोचते नहीं थे, लाइक लव के मामले में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड थे, लव के मामले में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा सोचते थे, ओवर थिंक ज़्यादा करते थे, बट आई सी जनवरी में आपको क्लैरिटी मिल रहा है दैट क्या ब्लॉकेज है जो ओवरकम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एंड ऑल्सो इस ब्लॉकेजेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज आई फील हियर दैट मे बी आप पास्ट में गलत लोगों को अपने लाइफ में मौका देते थे, आप काइंड ऑफ आपका कुछ बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है लव में, आपका कुछ हार्ट ब्रेक्स वगैरह रह चुका है लव में, जिस वजह से आप इतना नेगेटिव सोचते हो, जिस वजह से आपको फील होता है कि सब लोग आपके साथ वही करेंगे या वही चीज़ें रिपीट होगा जो आज तक होते आया है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, डज नॉट मैटर, बट आई सी हियर जनवरी में आप काइंड ऑफ देख पा रहे हो दैट इसके आगे भी एक दुनिया है, इसके आगे भी एक इमोशन है,
एंड इस इमोशन को आप बेशक इम्पोर्टेंस दे सकते हो. सो आई फील फॉर सम ऑफ यू आप काइंड ऑफ क्लैरिटी आपको मिलेगा दैट कैसा इंसान आपको चाहिए एज अ पार्टनर. या फिर अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आई सी हियर दैट मे बी कोई आपको अच्छा लग सकता है, बट आई ऑल्सो सी कि आप बहुत जल्दबाजी में नहीं हो, या आप लाइक आप बहुत जल्दी किसी को मौका नहीं दे रहे हो अपने लव में. बट आप फिर से जो ट्रस्ट है, वो जो बिलीफ है, जो फेथ है, जो मे बी आपका चला गया था, वो वापस से रिस्टोर हो रहा है. वापस से आप बिलीव कर रहे हो, वापस से आप क्लियरली देख पा रहे हो दैट क्या क्या ब्लॉकेजेस थे. एंड लव इमोशन गलत नहीं है, बट मे बी आपका सिचुएशन में प्रॉब्लम था. सो आई फील हियर दैट आप काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हो वर्गो अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने लाइफ के ऊपर, यू नो. बट एट द सेम टाइम आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप काइंड ऑफ अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओ या अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाओ. सो आई फील वर्गोज जनवरी में लव सिचुएशन में कुछ सारे न्यू बिगिनिंग्स हो सकते हैं, कुछ प्रपोजल्स, ऑफर्स या कुछ नए लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल से हो. आई थिंक दैट आप कुछ लोगों को थोड़ा सा भाव भी दे रहे हो, चाहे वो पुराना पर्सन है, नया पर्सन है, डज नॉट मैटर. बट एट द सेम टाइम आप किसी को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, या आप किसी को काइंड ऑफ खुद से ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो. दैट मैक्सिमम आपका मेन फोकस आप खुद हो, आपका मेन फोकस आपकी स्टेबिलिटी है. कुछ लाइक और कुछ नहीं, और कोई इंसान नहीं. डज नॉट मैटर ये लव सिचुएशन क्या है, पुराना है या ओल्ड, लाइक नया है या ओल्ड है. ओके, सो लेट अस सी अगर आप किसी से डील कर रहे हो उनका करंट सिचुएशन क्या है. उनका करंट सिचुएशन आपके लिए क्या है. वाओ, वी हैव द नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आई फील हियर वर्गोज दैट ये पर्सन आपके कनेक्शन में कुछ चेंजेस चाहते हैं, या फिलहाल आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, बुरा हो या अच्छा हो, ये पर्सन उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं. लाइक ये करंट सिचुएशन से आपके पर्सन खुश नहीं है. आई ऑल्सो फील हियर दैट इस पर्सन के पास काफ़ी सारा ऑप्शन है, या मे बी इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है, या आई सी दैट इस पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. बहुत सारे चीज़ों को ये पर्सन साथ में हैंडल कर रहे हैं. मे बी उनका करियर, फैमिली, उनका जो भी है सिचुएशन, हेल्थ, लव लाइफ, फॉरएवर. बट आई सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ ढूंढ रहे हैं वो मौका, या वो सही टाइम जब ये पर्सन डिसाइड कर पाए. फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं वर्गो. बाकियों के लिए आई थिंक दैट आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट हो, बट ये पर्सन काइंड ऑफ सही टाइम का, सही मौके का वेट कर रहे हैं ताकि ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ा पाए. बट फॉर सम ऑफ यू, अगर ये आपका सिचुएशन है आपको पता होगा, बट फॉर सम ऑफ यू के ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं. एंड ये पर्सन तभी आपको कमिटमेंट देंगे जब इस पर्सन को फील होगा दैट इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या कोई फ्यूचर हो सकता है. सो ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश है, मैम, लाइक आई कैन सी दैट. बट ये पर्सन का काइंड ऑफ एक इमेजिनरी सिचुएशन है. ये पर्सन चाहते हैं सब कुछ परफेक्ट हो, एक रिलेशनशिप, एक पार्टनर, या ऐसा पार्टनर जो मे बी उनके फैमिली को पसंद आए, ऐसा पार्टनर जो मे बी उनके कुछ आदतों को मैच कर पाए, या उनका इमेजिनेशन जैसा है वैसा. सो ये पर्सन तभी कमिटमेंट देंगे जब इस पर्सन को लगेगा दैट आप काइंड ऑफ वो सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकते हो या सेटिस्फाई कर रहे हो. एंड कुछ लोगों के लिए इसी वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या इस वजह से इस चीज़ का ये पर्सन वेट कर रहे हैं. बाकियों के लिए आई थिंक दैट ये पर्सन का आप ही विश फुलफिलमेंट हो, बट ये पर्सन काइंड ऑफ सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही मौके का वेट कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम इनके ऑप्शंस ओपन है, या इनके लाइफ में फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा सिचुएशन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पर्सन को अकेले उठाना पड़ रहा है. वर्गोस,
ओके, अगर मैं जोडियाक की बात करूं, मेरे पास यहाँ पे है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली कैंसर, लीब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न. ओके, सो यू कैन वेट एंड सी वर्गोस. अगर आप चाहो तो आप एक क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो इस पर्सन के साथ, एंड ऑब्वियसली ये आपका डिसीजन है, ये आपका चॉइस है. ओके, लेट अस सी आपका करियर सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वर्गोस. व्हाट अबाउट योर करियर? व्हाट अबाउट योर करियर सिचुएशन? ओके, वी हैव द स्टार, ब्यूटिफुल. टेन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस. वर्गोज, फर्स्टली मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है इज दैट आप कुछ नया करने से डरो मत, कुछ नया करने से खुद को पीछे हटा मत लेना. बिकॉज आज आपको जो बहुत ही छोटा मोटा लग रहा है, आज आपको लग रहा है कि ये करके क्या होगा, इससे थोड़ी सा, इससे थोड़ी कुछ होता है, इससे थोड़ी मेरा रेस्पेक्ट होगा, इससे थोड़ी मेरे ड्रीम्स फुलफिल होंगे. बट वर्गोज, आपको यू नेवर नो कि कब किसका किस्मत चमक जाए या कब किसका लक कहाँ पे काम आ जाए. आज आप जिस चीज़ से डर रहे हो, आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे या दूसरे लोग कर दिखाएंगे, मे बी उसी चीज़ में आप सक्सेस ढूंढ लो, मे बी उसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो जाओ. फॉर सम ऑफ यू वर्गोज, आई फील दैट आप कुछ अनोखा ट्राई आउट कर रहे हो. आपके आपके माइंड में कुछ अनोखा प्लान है, बिजनेस प्लान या करियर प्लान या आई डोंट नो वॉट, बट आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, या आपके माइंड में कुछ ऐसे प्लान्स है, विशेज है जो आप फुलफिल करना चाहते हो, बट आप डर रहे हो इस बात से कि वॉट इफ आप फेल हो जाओ, वॉट इफ लोग आपको एक्सेप्ट ना करें, क्या होगा तब, क्या होगा अगर आप सक्सेस ना ढूंढ पाओ. सो आप रिस्क लेने से डर रहे हो. बट आई सी दैट वर्गो, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो, लाइक वॉट इफ यू सक्सीड, तब क्या, अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ, अगर लोगों को, लोग आपको मान ले, अगर लोग देखे आपका सक्सेस पहली बार, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव करते हुए, तब क्या. थिंक अबाउट दैट. आई ऑल्सो सी हियर दैट फॉर सम वर्गोज, आप में से कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो. ये आपका कोई हैबिट हो सकता है, ये या फिर आपका कोई ऐसा जॉब या कुछ करियर प्लान कुछ आप कर रहे हो जिसमें आपका कुछ वेस्ट हो रहा है, या तो टाइम, या तो पैसा, या तो आपका एनर्जी, समथिंग दैट यू आर वेस्टिंग. ठीक है, एंड आपको ये चीज़ पता होगा, ये वही चीज़ है जिसे आप करके आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, आपका दिल नहीं भरता है. सो उस चीज़ के बारे में सोचो, दैट वॉट आर यू वेस्टिंग. ओके, आई ऑल्सो फील हियर वर्गोज दैट फॉर सम ऑफ यू, आप अगर कुछ रिजेक्शन फेस कर रहे हो या अगर आप कुछ एंडिंग फेस कर रहे हो, उससे ही आपका सक्सेस शुरू होता है. सो अगर आप इस वक्त रिजेक्शन या कुछ एंडिंग फेस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आई सी दैट आने वाले कुछ महीनों में या मे बी जान में आपको लग सकता है दैट आप मे बी अपना पुराना जॉब छोड़ रहे हो, आप मे बी कुछ करने जा रहे थे बट वहाँ पे आप रिजेक्शन देख रहे हो, मे बी आपके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे. सो समथिंग जो नेगेटिव या जो आपको बहुत ही रिजेक्टिंग फील हो, नेगेटिव फील हो आपके करियर या फाइनेंसेस में, बट असलियत ये है कि उस एंडिंग से या उस नेगेटिव पॉइंट से आपका सक्सेस शुरू होता है. वर्गोज, दिस इज अ टाइम कि आप अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस काम पे लगाओ. जो लोग कंफ्यूज्ड हो, इट इज़ द टाइम. ये टाइम नहीं है कि आप सोचने में वेस्ट कर दो, या फिर आप सोचते रहो, या लोगों से पूछते रहो, या आप डरते रहो कि क्या होगा क्या होगा. बट दिस इज़ द टाइम कि आपका एक्सपीरियंस और आपका विजडम आप काम पे लगाओ, बिकॉज आप जो भी करना चाह रहे हो, वो कुछ नया हो, अनोखा हो, या फिर वो डेली वाला काम हो, डेली 9 to 5 की जॉब, या डेली का पढ़ाई, या आपका बिजनेस, जो भी क्यों ना हो,
आपका नॉलेज और आपका विजडम ही काम आएगा, एक्सपीरियंस काम आएगा आपको किसी भी ट्रबल या ब्लॉकेज से बचाने के लिए। सो मे बी अगर आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपके बिजनेस में आप ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं देख पा रहे हो, आई फील आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे वो प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है, आप पहले भी ऐसा कर चुके हो या आपने किसी को अच्छे से देखा है ऐसा करते हुए। मे बी इस टाइम पे आपको वो चीज़ याद नहीं आ रहा है, बट याद करने की कोशिश करो, बिकॉज़ आपको पता है, आपने देखा है, आपके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है पहले, तभी भी आप सरवाइव किए थे, तभी भी आपने कुछ उपाय आपने लगाया था। सो आप इस बार भी सरवाइव कर पाओगे। एंड स्पेशली जिन लोगों के लिए यहाँ पे एक एंडिंग है या फिर कुछ ख़त्म हो गया है, जॉब, पैसा, प्रॉब्लम, इशू, जो भी नेगेटिविटी, उस टाइम से आपका एक्चुअली में सक्सेस स्टोरी शुरू हो रहा है। सो मानो आपका जॉब चला गया है या आपने जॉब छोड़ दिया है या छोड़ दोगे कुछ महीनों के अंदर या दिनों के अंदर, डोंट थिंक कि आपका करियर वहाँ पे ख़त्म हो गया, जस्ट थिंक दैट वहाँ से आपका असली सक्सेस स्टोरी शुरू हो रहा है। उस जॉब छोड़ने के बाद आपके पास हज़ारों लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, आप खुद का कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड से। आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आपके पास वो विजडम है। बट अगर आप पूरे सिचुएशन को नेगेटिवली देखोगे कि अरे मैंने जॉब छोड़ दी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर, आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। सो इट इज़ अप टू यू कि आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे या पॉजिटिविटी को। ओके, सो अच्छे से डिसाइड करो, टेक योर टाइम, यू नो, एंड आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है या आपने जो भी सीखा है, नॉलेज है, विजडम है, उसको काम पे लगाओ, वही काम आएगा आपको इस टाइम पे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गोज, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइज, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।